हाय फ्रेंड्स, मैं केएल मल्होत्रा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलएम कीबोर्ड प्रैक्टिस पर। आज हम जो गाना बजाने जा रहे हैं उसके बोल हैं, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। और ये गाना शुरू करने से पहले आज मैं एक बार, जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं जिनको कीबोर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और सरगम वगैरह का भी पता नहीं है, ऑक्टेव क्या होते हैं, मंद शतक, तार शतक, ये सब नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक सेशन लिया हुआ है। तो वो वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड करके, उसको अगर देखेंगे, वो 15 मिनट का वीडियो देखने से एक बेसिक नॉलेज उनको हो जाएगी, ताकि जो हम गाना बजाते हैं उसको जो है उनको जल्दी से पिकअप कर पाएंगे, क्या सरगम बोलते हैं, सा रे गा मा क्या होता है, ये सब बहुत डिटेल में वो बात समझाई है। और मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो अभी शुरू करते हैं, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। तो यहां से सी शार्प को सा मान के चल रहे हैं, और इसमें ये सा रे गा ये शुद्ध है, मा गा कोमल भी लगेगा, गा इसमें फिर आगे सा रे तक चलेगा। तो शुरू करते हैं, ए फूलों सा सा मा, चार कीज का गैप छोड़ के सीधा सा से मा, सा सा मा, ए फूलों की रानी मगा मा, बहारों मगा मा पा, बहारों की मलिका मा मा पा मा गा, बहारों की मलिका तेरा मुस गा गा पा कोमल गा गा पा कुराना। तो ये नी कोमल हो गया और ये धा कोमल हो गया, ये भी लगेंगे दोनों, तो मार्क नहीं है, ये धा कोमल है, ये नी कोमल है। अच्छा, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना पुराना गजब हो गया, बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। अब न दिल होश में है न जां होश में है, ओ न दिल होश में है न जां होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया, ये सेम टू सेम है। तो उसके बाद ये है मुखड़ा, तो मुखड़ा तो पूरा हो गया गाने का, अब है अंतरा। अंतरे की बस एक ही लाइन है और उसके बाद जितना भी बचता है वो सब रेपिटेशन है इन्हीं नोट्स का जो अभी तक बजाए हैं। तो तेरे होंठ क्या हैं, गुलाबी कमल हैं, तेरे होंठ क्या हैं, गुलाबी कमल हैं, ये रिपीट है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है, बस इतना ही है, उसके बाद रेपिटेशन है। तेरे होंठ क्या है, मामा सा तार शतक का सा, मामा सा निधानी निधानी दो बार आएगा, तेरे होंठ क्या है गुलाबी, गुलाबी भी निधानी पे आए, गुलाबी कमल है, सा ये कोमल धा कमल है, साधा मा,
फिर ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है, फिर रेपिटेशन है आगे सारा। वो नाजुक लबों पे मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। न दिल होश में है न जहां होश में है, फिर वही है। एक आगे अंतरा और है, कभी खुल के मिलना, कभी खुल के मिलना, कभी खुद जी झकना, कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी कभी रास्तों पर, कभी रास्तों पर बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमन उठाकर गिराना, गिराकर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, लंबा भी ज्यादा नहीं है और नोट्स भी सीधे ही हैं। तो इसको अपना अच्छा से जो है प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।